हेलो फ्रेंड, नमस्ते। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो हम सभी लोग तैयार हैं, हम सभी लोग जा रहे हैं मार्केट में दोस्तों, नया की जो शादी में जो बर्तन और कपड़े वगैरह खरीदने के लिए। दोस्तों हम सभी लोग जा रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। और वो रजत भाई बैठे हुए हैं और पास में नया भी बैठी हुई है, यहाँ पर हवा ले रही हैं। सामने गैलरी से हवा आती है सीधी, बिना लाइट के अच्छा काम होता है यहाँ गांव में। लाइट बहुत कम चलती है, क्यों नहीं? और इधर भाभी भी हवा ले रही है। सुलेखा अभी नहा के रेडी हुई है, देखो बाल वगैरह अपने वैसे कर रही है। और ये रहा आयुष, ये बहुत बिगड़ा हुआ चल रहा है, इसको देख लो अच्छे से। ये बात नहीं मानता है किसी की। चल आज बेइज्जती कर दी तुम्हारी मैंने, अब तो नहीं उदम करे, बताओ नहीं करे। तो नया आप क्या, बस बिल्कुल पास में ही है तुम्हारी शादी। देखा टाइम ना लगाओ, बहुत ज्यादा काम है और काफी टाइम लग जाएगा मार्केट। और देखो ये जहाँ जब से आई है बस इसने खाने की सोची है और कोई काम नहीं इसका, बस खाने में बिजी है। ये देखो आरजू, देखो बेगार कर रही है मामा के घर आते ही। कितनी बेगार करेगी। गोविंद भाई तैयार हो जाओ, चलो मार्केट चलते हैं। है गर्मी लग रही है ज्यादा, है लाइट नहीं चल रही इस वजह से। गांव का यही हाल है, क्या करोगे। वैसे यहाँ काफी कम लाइट देते हैं, वैसे हमारे यहाँ इतनी नहीं, हमारे यहाँ अच्छी चलती है लाइट। तुम्हारे यहाँ बड़ा हाउस पावर रखा है लग रहा है इनके यहाँ। तो धूप तेज थी इस वजह से थोड़ा देर यहाँ पर हम सभी लोग रुक रहे और अब सभी लोग चल रहे हैं। अब थोड़ी धूप स्लो हो गई है, 4 बज रहे हैं। लेकिन अब नहीं ज्यादा धूप, अब तो सही है। चलो चलो सही है, ज्यादा धूप हो ना देखो, ठीक है। फिर टाइम नहीं है और काम करियो, शाम को बहुत काम है। चलो फिर आ गोविंद जे, सबसे ज्यादा लेट करवा दे बैठे हमारे सड़वाई। गोविंद तो सड़वाई कहते जी, मुस्का जाते है देखो। जी हमारे सड़वाई है, आप लोग देख लीजिए मुंह झांक रहे हैं, बोलो दिखाया था ने। सड़वाई देखो हमारी मौका लग रही बिल्कुल एकदम रियलिटी है। सुलेखो देखो मुस्कुरा रही है, कह रही है हाँ। चलो सामान ले आ, चले गोविंद गाड़ी बैठे हो राम कुमार के हैं हवाई बैठे हो ना, इन्हें सुलेखा को बताए रे। गोविंद तुम बिठा ले अपने गाड़ी पे, जा पे आओ। ले सुलेखा भैया के संगे बैठी है अपने। गोविंद अब तुम का करे, हर के तुम चला ले, चलो दुख तो नहीं हो रहा, चलो हर के तुम चल रहे संग है। तो हम सभी लोग साड़ी सेंटर आ चुके हैं और इधर भैया साड़ी दिखाने के लिए साड़ी निकाल रहे हैं अपनी दुकान से। और देखो सुलेखा को और उनके साथ में उनकी मम्मी है, राम कुमार हैं, इधर मुस्कुराने लगे हैं। गोविंद भाई बताइए, तो भाई ने काफ़ी सारी साड़ियां निकाल के डाल दी हैं देखने के लिए। तो सभी लोग देख रहे हैं, हम भी साथ में हैं, लेकिन भाई हमें कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है साड़ियों के बारे में। वो तो लेडीज ही जाने कैसी उनको पसंद करनी है, क्या कैसे पहनना है। भाई हम तो अपने पैंट शर्ट अच्छे से, इधर फैंस आ गए हैं तो सुलेखा फोटो खिंचवाने लगी थी। तो सुलेखा जोड़ी कपड़ा तो साड़ी वगैरह खरीद लिए, अब पैंट शर्ट खरीदने आए।
आ गए हैं यहाँ पर जींस के पैंट शर्ट की दुकान पर दोस्तों। और सुलेखा ने वहाँ साड़ी सेंटर पर काफ़ी समय लगा दिया, लगभग 3-4 घंटे वहीं लगा दिए और काफ़ी टाइम हो गया है। तो इधर भैया पैंट शर्ट दिखा रहे हैं, यहाँ पर मैंने जो भी साइज था ना वो बता दिया भैया को, जितने भी लोगों के लिए ख़रीदना था कपड़ा तो भैया को बता दिया। इधर सुलेखा देख रही हैं, यहाँ पर कुछ बच्चों के भी कपड़ा लेने हैं जो, तो इधर देख रहे हैं जो कि लड़की वाली की तरफ से जो कपड़े दिए जाते हैं लड़के वालों को, तो वही कपड़े हैं ये दोस्तों। देखो भैया निकाल रहे हैं कपड़े, और उधर से पूरा पर्चा आया था ना उसी के हिसाब से हम लोग कम क्या नाम कपड़ा ख़रीद रहे हैं बच्चों के लिए और बड़ों के लिए, और जो भी हैं लोग उनके घर में उन सभी के लिए कपड़े यहाँ पर ख़रीद रहे हैं। और इधर गोविंद भाई भी अपने लिए ख़रीदने लगे हैं, तो यहाँ पर चेंज कर रहे हैं, लोअर उतार दिए उन्होंने, हमको वीडियो नहीं बनाने दे रहे वैसे फिट बना इनको पैंट एकदम मस्त, गोविंद भाई एकदम मस्त लग रहे हैं भैया। भाई साहब आपका थोड़ा पेट अंदर होगा तो और बढ़िया रहता है। फिट बनो पैंट एकदम मस्त भाई, बाबा ही बहुत बड़ी बात है। पेट चलते तो कमर बढ़ते हो ही नहीं है, इसकी फिटिंग आपको सही आई बिल्कुल सही है भैया, बड़ी साड़ी खरीद रही ने बहुत मजा पड़ रहा हो। तुम खरीदवा रहे क्या गोविंद? हम खरीदवा रहे हैं, इसलिए खरीदवा रहे, तुम महंगी साड़ी ले रही था, तुम अंदर नहीं जा रहे, तुम्हारी फट रही है भाई, फट फट रही होता भैया, बहुत महंगी महंगी साड़ी सेंटर खरीद रही सुलेखा, पैसा आज खत्म हुई हो हमारे, देखो 5,000 रुपया की साड़ी, कम से कम 100-150 साड़ी देख चुकी हैं, अब इन्हें खरीद नहीं पाई एक भी साड़ी, और हम देखो पैंट शर्ट ज़्यादा नहीं 15-20 मिनट में खरीद चुके हैं सब साड़ी, ये मच्छरदानी टाइप की पसंद कर रही हैं टोटल। अब आ गए बर्तन वाली दुकान, गर्मी ज़्यादा आती भैया ठंडा ले आए हैं, देखो हम लोगों ने पीने के लिए बोल रहे भैया, फेस दिखा दियो करो यार, ले भाई ले, अरे पियो यार, ले राम कुमार तुम पियो यार, पकड़ो ठंडा फ्री है जी, ठीक है दुकान अब तुम्हें से ना डिस्काउंट कटे है आप सही कह रहे भैया, सब सामान खरीद लो, ये बक्सा रह गए, बक्सा और खरीद ले, हाँ देख लीजिए जी, जो जाना जो वाले खराब वालों लिए हुए हैं, कैसे लिए जी खराब है मतलब लगे ना तो गाइस हम लोग आ गए हैं मार्केट से घर पर, और अभी जस्ट आ रहे हैं, और आपको बता दें काफ़ी लेट हो गए हम लोग मार्केट में शॉपिंग करते करते, काफ़ी सारा सामान था दोस्तों, बर्तन वगैरह और साड़ियां वगैरह कपड़े वगैरह, तो इस चक्कर में काफ़ी लेट हो गए वहां से, लेकिन अब घर पर आ गए, अब सब लोग खाना वाना वगैरह खाएँगे, लेकिन सबसे ज़्यादा लेट करवाओ हम लोगों ने, ठीक है जिस साड़ी में जो साड़ी खरीदने में मैंने पूरे 4 घंटा लगाए थे, क्या नहीं ये इतना टाइम लगाती है तुम्हारी दीदी, अगर जो साड़ी वाली दुकान में बैठी आती तो समझ ली फिर तो इन्हें जा लगा तो हम स्वर्ग माए गए, इन्होंने अपने लिए 3 साड़ियां खरीदी, 3 साड़ियां खरीदी इन्होंने, एक तिलक पहने, एक जयमाला पहने, एक बिना पहने, तो 3 हो नहीं गई गांव में है मेरी ऊंची हवेली, खर्चा तेरा थाली में थोड़ी छोड़ दियो आओ हाँ
गैप नहीं लेते एकदम खोंचा भरा तड़प 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 खाली साफ खिचड़ी मेरी गोलगप्पे देख रहे हैं तो हम लोग खाना ना खा के अब हम जा रहे हैं लेटने। और देखो मैंने मच्छरदानी लगा लिया दोस्तों, और यहाँ पर मच्छर ज़्यादा हैं। भले ही गर्मी कितनी भी हो लेकिन मच्छर नहीं आना चाहिए पास में, फिर तो नींद अच्छी आएगी सुकून से। लेकिन मच्छरदानी लग गई, अब कोई टेंशन नहीं, मच्छर तो बाहर आएंगे। वैसी वाली है देखो बिल्कुल। और इधर हमारे गोविंद भाई हमारे ऊपर टॉर्च दिखा रहे हैं हमारे साथ में। तो दोस्तों आप सभी को गुड नाइट, मिलते हैं अगले सुबह। बाय बाय, गुड नाइट।